नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर फरीदाबाद के आईसीयू की डायरेक्टर। तो आज हम बात करेंगे टेस्टों के बारे में, कोरोना वायरस का कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे हैं जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि आपके मोहल्ले में या उसमें हो रहे हैं, और उसके अलावा हमें पहले से ही पता है RT-PCR एक टेस्ट है जो हम करा सकते हैं, उसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट भी है जो कोरोना वायरस का हमें कराना है। तो अब हम ये देखते हैं हमें कौन सा टेस्ट कराना है और कब कराना है, और टेस्ट का जो रिजल्ट आया है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम बीमारी के किस फेज में हैं। और जैसे ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, इसको देखिए कि जो शुरू में जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आप इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं, मतलब वायरस आपकी बॉडी में है लेकिन अभी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसमें वायरस डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो जनरली ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमें पता है 3 से 14 दिन तक पॉपुलेशन में है। तो जो मीडियन पीरियड है वो 5 दिन, मतलब 5 दिन में अगर हम शुरू करेंगे डिटेक्ट करना तो हमें साइन एंड सिम्टम आएंगे, और उसके बाद अगर हम कोशिश करेंगे तो वायरस को हम कैच कर पाएंगे। अब देखिए, जो शुरू का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक है, ये अगर आप देखेंगे कि ये 11 दिन तक, तो यहाँ पर जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो वायरस यहाँ पर बॉडी में घुसा हुआ है और बॉडी में जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस वक्त हम अगर वायरस को कैच करेंगे तो हम वायरस को कैच कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं 2 हफ्ते के बाद के फेज में जाती हूँ और मैं वायरस को कैच करने की कोशिश करती हूँ तो मैं वायरस को कैच नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैं इसके बाद जो भी टेस्ट कराऊंगी तो बहुत हाई चांस होगा कि मेरा अगर RT-PCR मैं करा रही हूँ जो कि वायरस को पकड़ता है तो वो नेगेटिव आएगा। अब देखिए, तो अगर आप शुरू के फेज में हैं तो आपको हम जनरली सलाह देंगे कि आप 5th या 7th डे पे टेस्ट को कराइए। हालांकि अगर आप 8th डे पे टेस्ट कराते हैं RT-PCR तो 80% चांस है कि टेस्ट पकड़ लेगा आपकी, उसको मतलब बीमारी को पकड़ लेगा। अब ये जो उसके बाद दूसरा फेज जो शुरू हो जाता है वायरल रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद, जो सेकेंड फेज शुरू हो जाता है वो इम्यून डिसरेगुलेशन का शुरू हो जाता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। तो इस वक्त क्या होता है कि इस वक्त आप उसको नहीं पकड़ पाते हैं वायरस को, बट हाँ इस वक्त आपके एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो गए हैं। और अगर आप 3rd वीक के बाद टेस्ट कराते हैं तो देखिए, ये देखिए, तो ये 1st वीक में अगर आपको कराना है तो आपको आपके वायरस को पकड़ना है जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से या फिर RT-PCR से हम पकड़ सकते हैं, और 2nd वीक के बाद अगर आपको टेस्ट कराना है तो आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है। तो यहाँ पर आपके IgG और IgM एंटीबॉडी बनने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो कई बार कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि शुरू के फेज में नहीं आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते ही लेट हैं जब उनको निमोनिया डेवलप हो चुका होता है, तो उनका कंटिन्यूअस RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग 3rd वीक में जब पेशेंट जाए तो हम एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। तो ये इन 2 टेस्टों के बारे में किया। अब जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है पहले उसको देखते हैं। ये जो टेस्ट है बहुत सारी जगहों पर मोहल्लों में मतलब फ्री भी ऑफर किया जा रहा है, गवर्नमेंट इसको करा रही है। अब हमें एक चीज समझनी है कि जो कोई भी टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है और स्पेसिफिसिटी कितनी है। अब सेंसिटिव से हमारा मतलब है वो कितनी जल्दी बीमारी को पकड़ेगा, मतलब कितने पेशेंट्स को पकड़ पाएगा कि ये बीमार हैं, और उसमें भी वो ट्रू कितने हैं, मतलब असली बीमारी कितनी पकड़ी। और जो स्पेसिफिक है उसका मतलब है कि उसने जो लोग बीमार नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल कितने, उतनों को पकड़ पाया। तो ये दोनों चीजें अलग होती हैं। अब जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफी कम है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी 30% से लेके 80% तक आती है। तो अब आप ये लगा लो, जैसे 1000 लोगों की पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं और अगर उस 1000 में सिर्फ 10 लोग या आप लगा लो 100 लोग पॉजिटिव हैं, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ 30 से 40 लोगों का उसमें पॉजिटिव आएगा। और जो मतलब जो उसने पकड़े मतलब 30 पॉजिटिव, लेकिन जो छूट गए मतलब वो जो छोड़ देगा वो 70 लोगों को छोड़ देगा। तो मतलब 70 लोग फॉल्स उसमें नेगेटिव आ जाएंगे। अगर आते हैं और आपको सिम्टम्स हैं और टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है तो प्लीज़ खुश मत होइए, हो सकता है आपका टेस्ट पकड़ ना पाया हो, वायरस की रेप्लिकेशन उसमें पकड़ ना पाई हो, आपको RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। अब आपने देखा होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो स्वाब लेते हैं उसको उसमें डाल के और सीधे किट में लगा देते हैं, तो कार्ड किट में उसको रीड कर लेते हैं 15 मिनट में। तो इसमें ना वायरस को एम्पलीफाई नहीं किया जाता। अगर आपको उन्हीं पेशेंट्स को कराना है या वहीं कराना है जहाँ पे बीमारी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, सो हम मतलब ज्यादा लोगों को पकड़ पाए, और मतलब जैसे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं एक्यूट इलनेस लेके तो ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि उनको टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए। तो हम रूटीनली कराते हैं, उसमें काफी केसेस हम रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही पकड़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं RT-PCR टेस्ट की। RT-PCR टेस्ट में हमें पता है ऑब्वियसली थोड़ा महंगा टेस्ट है, 1 या 2 दिन में उसका रिजल्ट आता है क्योंकि मशीन में डाल के 2 से 3 घंटे लगते हैं, स्पेशल मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, वो टेस्ट को एम्पलीफाई करते हैं। जैसे हमारा सैंपल ले लिया,
और जो सैंपल्स हुई, जो सीटी साइकिल है, मतलब जो वायरस है वो उसको एम्पलीफाई करता जाता है। अगर आप कहें कि 35 साइकिल में पॉजिटिव आया, तो मतलब उसे 35 मिलियन टाइम्स उसको एम्पलीफाई किया है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आरएनए है, आरएनए को एक एंजाइम के थ्रू वो डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं और टेस्ट को कैच करते हैं। तो तभी आपने देखा होगा कि ये जो इतना एम्पलीफिकेशन करते हैं, तो ये टेस्ट जो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं उनका भी पॉजिटिव आता रहता है। तो यही परेशानी है, तभी इस टेस्ट की जो मतलब हम कहते हैं कि आप ठीक होने के बाद ये टेस्ट मत कराइए, क्योंकि वो डेड फ्रेगमेंट्स को भी पकड़ लेगा, क्योंकि हाईली सेंसिटिव है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए आपको सीटी साइकिल देखना है कट ऑफ। तो सीटी साइकिल 23-24 इज अ गुड कट ऑफ। अगर उसके बाद आपका मतलब 24 के बाद आता है, तो उसका मतलब आप नॉन इन्फेक्शियस हो चुके हैं। सो ये इन दो टेस्टों के बारे में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीबॉडी टेस्ट है वो आपको मतलब थर्ड वीक में बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो IgG और IgM दो एंटीबॉडी बनते हैं। तो थर्ड वीक के बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसा है कि हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं, तो शुरू में क्या होता है, अगर हम वो पेशेंट सेकेंड वीक में आया है या 11वें 12वें दिन आया है, तो उस वक्त हम टेस्ट नहीं पकड़ पाते हैं, मतलब RT-PCR हमारा नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि उस पर वायरस को बेस्ट पकड़ने का डे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट्स अर्ली, लाइक day 8 इज द बेस्ट। तो ऐसे पेशेंट्स में हम कई बार क्या एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। अब एंटीबॉडी टेस्ट भी IgG IgM दोनों एंटीबॉडीज को आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप थर्ड वीक में हैं, तो थर्ड टू फोर्थ वीक आपको IgG IgM दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसके बाद आप टेस्ट करा रहे हैं, तो IgM जो एंटीबॉडी है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे बॉडी में, और IgG एंटीबॉडी कुछ देर तक परसिस्ट करता है। और जो ये IgG एंटीबॉडी है, ये 2 वीक्स तक देखा, मतलब 2 मंथ्स तक परसिस्ट करता है बॉडी में। 2-3 मंथ्स तक आप इस टेस्ट को पकड़ पाएंगे। तो उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है और आपके एंटीबॉडी के लेवल्स इस वक्त क्या चल रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन टेस्ट जो आप करा सकते हैं। एंड इन द एंड द बेस्ट थिंग इज, अगर आपको आपका रेड नेगेटिव आता है और आपको सिम्टम्स हैं, तो आप RT-PCR कराइए। और RT-PCR आप 7th डे मैक्सिमम आप कैच कर सकते हैं, तो 5th या 7th डे पर उसको कराइए। और अगर आपको बाद में चेक करना है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई और आपको एंटीबॉडीज हैं, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट कराइए। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द टेस्ट। एंड आई विल से इन द एंड, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, स्टे सेफ, एंड प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोविड। नमस्कार।